हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। मैं बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल हाई रैक टैग में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए फ्यूचर में भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता रहूँगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे माइंड में एक ख्याल आता है कि दोस्तों कि हम यूट्यूब पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे होते हैं, काफ़ी वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, मगर दोस्तों हमारी वीडियो पर व्यू नहीं आ रहे होते। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊँगा कि अपनी वीडियो पर आप व्यू कैसे ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जो भी मैं सेटिंग के बारे में बताऊंगा या जो भी ट्रिक के बारे में बताऊंगा दोस्तों, उसको आपने फॉलो करना है। अगर आप उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपके चैनल पर धीमे धीमे व्यू आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले ट्रिक की बात करता हूँ। दोस्तों क्या होता है कि कोई भी जब नया यूट्यूबर क्रिएटर जो होता है वो अपना वीडियो अपलोड करता है तो दोस्तों वह क्रोम पर जाकर वीडियो अपलोड करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। बिना टाइम वेस्ट किए यूट्यूब पर जाकर, जो YouTube की एप्लीकेशन होती है उस पर जाकर डायरेक्ट वीडियो को अपलोड कर देना है दोस्तों। उसमें कुछ भी आपने टाइटल नहीं लिखना है दोस्तों, कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अपलोड करने के बाद उसके ऊपर क्या होगा कि दोस्तों आपके फ़ोन पर जो टाइटल होता है दोस्तों, वो आज की डेट आ जाएगी। उसको क्या करना है दोस्तों, आपने उसके बाद एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखनी है जो YouTube की सर्टिफाइड एप्लीकेशन होती है दोस्तों, YT स्टूडियो के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा दोस्तों तो YouTube पर जाकर सर्च करोगे तो आपको YT स्टूडियो के बारे में आपको पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, उस पर जाकर आपने क्या करना है, टाइटल लिखना है दोस्तों, उसको टाइटल को डिस्क्रिप्शन लिखना है दोस्तों, उस पर टैग भी लगा सकते हैं। जी दोस्तों, इसके द्वारा अगर आप लिखते हैं दोस्तों तो ये YouTube की सर्टिफाइड एप्लीकेशन हो जाने के कारण आपकी वीडियो पर अच्छे खासे व्यू आने लग जाते हैं दोस्तों। दूसरी ट्रिक की बात करते हैं दोस्तों, या दूसरी सेटिंग की बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या करना है दोस्तों, आपका टाइटल बहुत अच्छा होना चाहिए दोस्तों, ताकि कोई भी व्यूवर्स आपके चैनल पर आए तो व्यूवर आपकी वीडियो को देखे बिना ना जा सके। जी हाँ दोस्तों, आपने क्या करना है दोस्तों, पहले सबसे पहले आपको उस पर टाइटल लिखना है दोस्तों। टाइटल लिखने के बाद क्या करना है, उस टाइटल को कॉपी करके दोस्तों जो आपका डिस्क्रिप्शन है दोस्तों उस पर कॉपी कर देना है। और तीसरा काम क्या करना है दोस्तों, उसी टाइटल को आपने टैग में भी कॉपी कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, टैग में कॉपी करने के बाद आपके चैनल पर अच्छे खासे व्यू आने स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आपका जो टैग है अगर अच्छा लिखा होता है दोस्तों और सेम टाइटल का होता है तो आपकी वीडियो रैंक करते के चांस बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली ट्रिक की बात करते हैं, तीसरी ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, आपने क्या करना है कि हर वीडियो आप बनाते हो दोस्तों, कुछ ना कुछ इमेज यूज़ करते हो, कुछ ना कुछ किसी के वीडियो का पार्ट यूज़ करते हो, या किसी की वीडियो को के बारे में या किसी की जो यूट्यूबर के बारे में होते हैं उसके बारे में बात करते हो, तो दोस्तों आपकी जो YouTube पर होता है कॉपीराइट स्ट्राइक आने के चांस बढ़ जाते हैं। जी दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो कॉपीराइट आने के स्ट्राइक कम कैसे हो सकते हैं दोस्तों। आपने क्या करना है कि अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपने कॉपीराइट डिस्क्लेमर लिखना है दोस्तों। कॉपीराइट डिस्क्लेमर क्या होता है दोस्तों, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि कॉपीराइट डिस्क्लेमर क्या होता है। जी दोस्तों, उसमें क्या होता है कि दोस्तों आप ये लिखते हैं, लाइन लिखते हैं, तीन चार जो लाइन होती है दोस्तों, लिखते हैं कि मैं जो भी वीडियो है, जो भी इमेज है, मैं एक जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें मेरा कोई भी लिंक नहीं है। चलिए दोस्तों, अगली ट्रिक, चौथी ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके बार क्या होता है कि आपकी वीडियो पर व्यू आने कम हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि आप अच्छा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और वो लिखते हैं दोस्तों। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के बारे में बता चुका हूँ, टाइटल के बारे में बता चुका हूँ दोस्तों। अगली उसकी बात करते हैं दोस्तों, आप टैग लगाने की बात करते हैं दोस्तों। टैग में क्या होता है दोस्तों, टैग का बहुत जरूरी इसमें रोल होता है दोस्तों। टैग लगाने के लिए आप वीडियो क्या होगी हेल्प ले सकते हैं। वीडियो क्या होगी एक एप्लीकेशन है दोस्तों, वो भी YouTube की सर्टिफाइड होते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप अपने चैनल को रजिस्टर कर देते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक जो सजेस्टेड टैग होते हैं दोस्तों वो आने लग जाते हैं। उस अगर उसको कॉपी करके अपने चैनल पर टैग में डाल देते हैं दोस्तों, उससे आपकी वीडियो भी रैंक करने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो लाइक करते हैं दोस्तों तो मेरा मोटिव बढ़ता है दोस्तों, मेरी वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों। और दोस्तों एक बात आपने जरूरी ध्यान रखनी है दोस्तों, कि आपने कभी भी किसी भी वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल पर नहीं डालना है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप वीडियो डालते हैं तो YouTube को पता चलता है कि दोस्तों इसका पूरा सेल्फ कंटेंट नहीं है दोस्तों, या दूसरों का कंटेंट चोरी करता है और आपके चैनल को फ्रीज कर देता है, और धीमे धीमे आपके चैनल पर व्यू कम हो जाते हैं और आपका चैनल फ्रीज हो जाता है दोस्तों। क्योंकि अगर आपका चैनल फ्रीज हो जाता है दोस्तों तो उसमें आपको मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम होती है दोस्तों। मोनेटाइजेशन होने के बाद आपके 10, 15 या 100 व्यू आते हैं तो उसमें आपको ऐड आती है, तो उसमें ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाती है। जी दोस्तों, धीमे धीमे आपने क्या करना है कि अपने चैनल पर
एक और ट्रिक बताता हूँ दोस्तों कि आपने जितने भी सोशल मीडिया के लिंक है वो आपने बना के रखने हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया दोस्तों, और ट्विटर हो गया दोस्तों, क्योंकि ये एक ट्यूबडी एप्लीकेशन होती है दोस्तों, उसमें भी ये जो यूट्यूब की सर्टिफाइड एप्लीकेशन है इसमें भी बताया गया है कि दोस्तों कि आप किस तरह अपनी वीडियो को रैंक कर सकते हैं। आपको फेसबुक पे अपलोड जो उसका लिंक होता है अपलोड कर कर उसको लाइक करना जरूरी होता है दोस्तों, या पब्लिक उसको लाइक करती है तो आपके वीडियो रैंक में बढ़ सकती है दोस्तों। अगर ट्विटर दूसरा नंबर ट्विटर है दोस्तों, ट्विटर पे अगर आपको लाइक या ट्वीट करता है दोस्तों तो उससे आपकी वीडियो के जो रैंक है बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये दोस्तों इंस्टाग्राम में आपको पता है कि आजकल इंस्टाग्राम टिकटॉक बंद हो जाने के बाद आपके इंस्टाग्राम काफ़ी अच्छा चल रहा है दोस्तों। इंस्टाग्राम पे अगर आप वीडियो का प्रमोशन करते हैं दोस्तों तो उस पर व्यू काफ़ी आते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल हर कोई इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है दोस्तों, और इंस्टाग्राम पर सारे यूट्यूबर इंस्टाग्राम से वीडियो जब लिंक शेयर करते हैं दोस्तों तो उस पर क्या होता है कि आपके चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं दोस्तों, और आपकी वीडियो पर व्यू आने स्टार्ट हो जाते हैं। या दोस्तों अगर आपको अपने चैनल में सब्सक्राइबर चाहिए तो भाई नीचे जाकर कमेंट कर दीजिए कि आप किस तरह की सब्सक्राइबर चाहते हैं, और मैं इस पर अगले टाइम पर नेक्स्ट टाइम आपको एक वीडियो अपलोड करूँगा कि आप सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मैं आपके लिए फ्यूचर में ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।